हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, यदि आप भी बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं और आप भी सीटेट क्वालिफाइड हैं या फिर बीटेड हैं या फिर इसकी यूं कहें कि आप स्टेट क्वालिफाइड हैं या फिर आप 2012 के बाद के शिक्षक के रूप में आप नियोजित हो चुके हैं अपने स्कूल्स में, तो अब आपको BPSC के माध्यम से टीचर्स बनना होगा। ये बात तो बिल्कुल सबसे पहले ये तय हो चुका है, लेकिन अब जो है एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि BPSC से भर्ती होने वाले जो भी शिक्षक होंगे उनके वेतनमान भी तय कर दिए गए हैं। उनके वेतनमान क्या होगा, यानी कि शिक्षकों की तो यहाँ पर बल्ले बल्ले होते हुए नज़र आ रही है। भारी मात्रा में सैलरी जो है वो उनको मिलने वाले हैं, वेतन भत्ते, इसमें जो सभी कुछ चीज़ें हैं किस प्रकार से जो है मूल वेतन, फिर DA क्या है, इस तरीके सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में आगे की तरफ एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करने में कोई दुख दर्द नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी सी बहुत ही बेहतर कंडीशन हमें दिखाई दे रहा है बिहार में शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के लिए। तो सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर अपने उठा करके इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि लिखा गया है, फैसला पहली से लेकर के 12वीं तक की 1.78 जो है लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, वो भी BPSC से भर्ती होने वाले हैं। शिक्षकों का वेतनमान जो है तय कर दिया गया है और इसका फिर मैं थोड़ी देर में ऑफिशियल्स जो नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल्स लेटर्स है, उसको भी मैं आपके सामने उपस्थित कराऊंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा कि मूल वेतन जो है 25,000 से लेकर के 32,000 रुपये तक रखे गए हैं। तो मूल वेतन, और फिर देखिए इसमें जो है DA या फिर आपको PHR मेडिकल ये सभी चीज़ें समाहित नहीं है। मूल वेतन जो है वह 25,000 रुपये से 32,000 रुपये रखा गया है। दोस्तों, आगे देख लीजिएगा, सबसे पहले हम देख लेंगे वर्ग 1 से 5 तक के जो पद हैं वो बिहार में अभी उपस्थित है, जिस पर सातवें चरण के रूप में जो है वैकेंसीज, सातवें चरण के रूप में जिस पर जो है आपको नौकरी मिलने वाली है, तो उसमें जो है यहाँ से 85,477 सीट है। मूल वेतन इसके लिए आपके पास 25,000 रुपये है, और उसके बाद आप देखते चलेंगे उसका न्यूनतम और अधिकतम जो आपका कुल वेतन हो जाएगा, जो कि DA पर लागू होता है, DA और PHR के आधार पर, तो 35,700 से लेकर के 38,700 तक हो जाएगा। वर्ग 6 से लेकर के 8वें तक के लिए सीटों की संख्या 1,745 बताई गई है। मूल वेतन 28,000, ये जो है 40,080 रुपये से लेकर के 43,920 रुपये तक पहुंच जाएगा। वर्ग 9 से 10 के अगर आप शिक्षक बनते हैं जो, तो उस कंडीशंस में इसके सीट जो है 33,186 है, 31,000 मूल वेतन होगा, 44,460 से लेकर के 48,366 यानी यूँ कहें कि 50,000 के करीब करीब आपकी सैलरी हो जाएगी। वर्ग 11 से लेकर के 12 तक के अगर आप शिक्षक बनते हैं तो उस कंडीशंस में 45,920 से लेकर 49,760 तक आपके वेतनमान निर्धारित कर दिए गए हैं, अधिकतम और न्यूनतम। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस पर ये ना माने कि ये किसी प्रकार का फेक न्यूज़ आपके पास दिया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल ये सटीक न्यूज़ है। और इसके बाद मैं BPSC के द्वारा जो या फिर जिस पर अमीर सुभानी जो हैं वो सचिव हैं, उनके हस्ताक्षरित किया हुआ मैं लेटर्स आपको तुरंत मैं दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप BPSC के माध्यम से शिक्षक बनने वाले हैं या फिर आप स्टेट या सीटेट पास कर चुके हैं और आप 7th फेज के लिए प्रमुख रूप से आपको अपना दावेदार समझते हैं, तो इसको एग्ज़ाम्स को निकालिए। उम्मीद रहिएगा कि आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि मूल लेटर क्या है, जो कि ऑफिशियल लेटर है। फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल वो लेटर्स जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 24/4/23 को जो है ये बैठक की कार्रवाई जो है सुनिश्चित की गई, उसमें जो निर्णय लिए गए उसमें से देख लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट भी बता रहा है हमको कि किस प्रकार से इस पर से निर्णय लिया गया है। सबसे पहले आपको दिखा दें, यहाँ से विद्यालय अध्यापक 1 से लेकर 5 तक के लिए प्रारंभिक मूल वेतन 25,000 बताया जा रहा है। उसके बाद पदों की संख्या यहां पर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये सारी चीजों को कंफर्म करने की कोशिश किया। ये जो आपके पास लेटर दिखाई दे रहा है ये ऑफिशियल्स लेटर है, और उसी लेटर्स में इसकी घोषणा की गई है। ये 24 तारीख की ही बातें सभी कुछ तय हो चुकी है, और उस कंडीशंस में सारा चीज यहां पर उपलब्ध आपके पास कराया जा रहा है। और यहां पर देख लेंगे अमीर सुभानी जो है मुख्य सचिव हमारे सचिवालय के, उनके द्वारा ये हस्ताक्षरित किया गया है। ये सभी हस्ताक्षर जो है, जो ऑफिशियल्स लोग हैं उनके माध्यम से इसको वेरीफाइड कर दिया गया है। तो यूं मान करके
चलिए कि अब कुछ ही दिनों के अंदर, महज कुछ दिन लगेंगे, उम्मीद कीजिए कि एक हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते की या अंतिम इस हफ्ते के मई के जो प्रारंभ में 10-12 तारीख तक, याद रखिएगा कि सर कुछ उसके नियमावली शर्तें जो होंगी आ जाएंगी, और उसको कैसे कौन कौन से कहाँ कहाँ से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे, ये सब कुछ उसमें निर्धारित कर दिया जाएगा। तो तैयारी में बिल्कुल लगे रहने की कोशिश करना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं और हम 2 या 3 दिन के बाद से रेगुलर क्लासेस जो हैं साइंस और फिर GK GS, चूँकि भारी मात्रा में GK GS से क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद पेडागोजी से आपका क्वेश्चंस होगा, बाल विकास वगैरह सभी क्वेश्चंस होगा, इसका लगातार हम वीडियो आपको प्रदान करते चले जाएंगे। अगर आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं और आपको BPSC में जो है एग्जाम्स दे करके शिक्षक बनना है, राज्यकर्मी बन जाना है, तो हमारे चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। प्रत्येक दिन का वीडियो ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसको अपने दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।